Dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is microorganism and viruses, friends and foe. In this sequence, I have taught you yesterday about food poisoning, symptoms of food poisoning. Food poisoning are caused by which type of bacteria and fungi, and about food preservation, the methods of food preservation. I have taught you about by cooling how can we preserve foods, and today I am going to teach you about by heating and cooling treatment how can we preserve the food material. In this sequence, the first topic is pasteurization. By heating and cooling treatment, that is also known as pasteurization, a French scientist, Louis Pasteur, developed a method of food preservation. एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया फूड प्रिजर्वेशन का, जिसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन. दिस मेथड कॉल्ड पाश्चराइजेशन वाज डेवलप्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, स्पेशली मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, मिल्क को सुरक्षित करने के लिए, स्पॉयल होने से बचाने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है. इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 60-65 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट्स टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. मीन्स पॉस्चराइजेशन मेथड में क्या होता है, मिल्क को 60-65 डिग्री सेल्सियस तक, एटलीस्ट 30 मिनट्स तक बॉयल किया जाता है, जिससे इसमें प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं. एंड देन कूलिंग इट क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग. और उसके बाद तुरंत उसको ठंडा किया जाता है ताकि और जो भी बचे हुए बैक्टीरिया हैं उनको ग्रोथ करने से रोका जा सके. ओके, द मिल्क इज देन फिल्ड इन टू स्टरलाइज बॉटल्स पाउचेस. और उसके बाद तुरंत मिल्क को स्टरलाइज बॉटल्स जो होती हैं, स्टरलाइज्ड मीन्स जिनको माइक्रोब्स, किसी भी तरह के माइक्रोब्स से जिन बॉटल और पाउचेस को फ्री किया गया उसी को बोलते हैं स्टरलाइज्ड. तो इस तरह से स्टरलाइज किए हुए बॉटल्स और पाउचेस में उसको उसके बाद फिल कर दिया जाता है, और उसके बाद आप मार्केट में इस मिल्क के पाउचेस को ऑलमोस्ट खरीदते रहते हैं. वो इसी प्रोसेस को ध्यान में रख करके इन पाउचेस को प्रिपेयर किया जाता है. इसीलिए आप देखिए दो दो दिन तक ये पाउचेस पड़े रहते हैं बट ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें पॉस्चराइजेशन मेथड अप्लाई किया जाता है इन सारे पाउचेस के मिल्क में. बाय डिहाइड्रेशन हाउ कैन वी प्रिवेंट द फूड मटेरियल, हाउ कैन वी प्रिवेंट द फूड टू गेटिंग स्पॉयल्ड बाय डिहाइड्रेशन. आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट इट. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन का मीन्स ही होता है कि किसी भी चीज़ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देना कि जिससे वो पानी के बिना हो जाए. ओके, देन तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से एक ऐसा प्रोसीजर अप्लाई किया जाए जिससे उसका पूरी तरह से पानी सूख जाए, रिमूव हो जाए. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन. Dehydration reduces the moisture content of food and retards the growth of food by spoiling microorganisms. Dehydration, ये food के अंदर जो moisture है उसको reduce करता है, कम करता है, और इससे जो food spoiling microorganisms हैं उनकी growth बहुत ही retard हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, stop हो जाती है almost. Dehydration can be done by sun drying or by smoking. इसको धुआं दे करके या सूरज की रोशनी में रख करके इन सारे फूड मटेरियल्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरिशेबल फूड, इनको डिहाइड्रेट किया जाता है. द फूड्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय डिहाइड्रेशन मेथड आर, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको डिहाइड्रेट किया जाता है, या यू कैन से डिहाइड्रेशन मेथड से जिनको प्रिजर्व किया जाता है. सन ड्राइंग प्रोसीजर से कॉलीफ्लावर, स्पाइनच, फेनुग्रीक, जिंजर, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ऑलमोस्ट, इनको सन ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व किया जाता है. कॉलीफ्लावर, फेन्यूग्रीक, स्पाइनच एंड जिंजर. कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, स्पेनच, पालक, फेन्यूग्रीक, मेथी एंड जिंजर, अदरक. और बाय स्मोकिंग मेथड से कौन से
फूड्स हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है, फिश है और मीट है। स्मोक डाल करके इसमें उसको प्रिजर्व किया जाता है। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज बाय यूजिंग सॉल्ट शुगर। द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल। यानी हाई कंसंट्रेशन मीन्स ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फूड मटेरियल में सॉल्ट डाल देते हैं तो उस फूड मटेरियल के अंदर का जो वाटर होता है उसको वो सॉल्ट यू कैन से अब्सॉर्ब कर लेता है या रिमूव कर देता है। दिस रिटार्ड्स द बैक्टीरियल ग्रोथ टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू अबाउट बाई यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। तो मैं आपको बता रही थी कि द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल। यानी किसी भी फूड मटेरियल में अगर हम हाई कंसंट्रेशन रखेंगे सॉल्ट की, यानी सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, देन ये उसके वाटर को रिमूव कर देता है, उसमें जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या सोख लेता है, ये कह सकते हैं। एंड दिस रिटार्ड्स द बैक्टीरियल ग्रोथ टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। और ऐसा करने से जो फूड की स्पॉइलेज होती है, यानी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है फूड के अंदर, उसकी जो स्पीड है उसको ये काफ़ी कम कर देता है। हाई कंसंट्रेशन मोर देन 68% ऑफ शुगर ऑल्सो रिटार्ड्स द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज। यानी हाई कंसंट्रेशन यानी शुगर को जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम डाल देते हैं किसी भी फूड के अंदर, देन उसमें भी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, उसको ये रिटार्ड कर देता है, यानी स्लोअर कर देता है उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ की स्पीड को। बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। इफ वी आर यूजिंग विनेगर ऑयल साइट्रिक एसिड स्पाइसेस आल्सो एक्ट एज फूड प्रिजर्वेटिव्स बाय नॉट परमिटिंग बैक्टीरिया टू ग्रो इन दिस एनवायरनमेंट। मींस इफ वी आर एडिंग सम विनेगर ऑयल साइट्रिक एसिड स्पाइसेस इट प्रिजर्व्स द फूड मटेरियल। विनेगर ऑयल साइट्रिक एसिड इन सब चीज़ों को अगर हम फूड मटेरियल के साथ मिक्स कर देते हैं, देन ये जो बैक्टीरिया के ग्रोथ की परमिशन है ये नहीं देता है, यानी ये जो टेक्निक है ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करती है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ पॉसिबल ना हो। वेजिटेबल्स फ्रूट्स मीट फिश आर जनरली प्रिजर्व बाई दिस मेथड। जो बहुत सारे टाइप्स के वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट, वेजिटेबल, वो जनरली इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय हीटिंग एंड कैनिंग। हीटिंग फूड एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट्स किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू नो वेरी वेल दैट इफ फूड इज बॉयल्ड अप्रॉक्स 110 डिग्री सेल्सियस इट विल किल द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से बॉयल कर देते हैं तो भी उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सारे किल हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। द फूड मटेरियल हीटेड टू किल द जर्म व्हेन कैंड अंडर वैक्यूम रिमेन्स सेफ फॉर लॉन्गर पीरियड्स। यानी अगर कैन में रखा हुआ जो फूड मटेरियल होता है उसको भी 100 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्स अगर हम उबाल देते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं, देन उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे मर जाते हैं और लंबे समय के लिए फूड को प्रिजर्व कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक, दैट इज़ बाय हीटिंग एंड कैनिंग फूड प्रिजर्वेशन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।